हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एडुकेशन। तो इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, देखेंगे गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ कंक्लूजन निकालने की ट्राई करेंगे या कुछ नया सीखने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन करने जा रहा है उसका 50% आइडिया आपको है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, रैंक का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और रैंक का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि वो क्या बताता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, रो वेक्टर्स एंड कॉलम वेक्टर्स कितने हैं। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गेट 2008 का। तो क्वेश्चन में गिवन है, ये अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है पहला एक क्यू मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स है जिसका साइज है 5x6, और क्यू मैट्रिक्स का रैंक दिया हुआ है 4। क्यू मैट्रिक्स का रैंक दिया हुआ है 4। क्यू मैट्रिक्स का रैंक डिफाइन किया है 4। चार ऑप्शन दिए हुए, पूछा है इस डेटा के बेस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है कि क्यू जो मैट्रिक्स है क्यू, उसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज भी 4 होंगे, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स भी 4 होंगे, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज 4 है और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स 5 है। तीसरा पॉइंट बोला है जो मैं यहां पे लिख देता हूं, q into qt is invertible। तीसरा पॉइंट qt into q is invertible। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये डेटा दिया हुआ है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स क्यू मैट्रिक्स से कितने 4। दूसरा दिया है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज 4 है और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने 5 है, कितने 5 है। और दूसरा तीसरा ऑप्शन दिया है कि q into qt is invertible, qt into q is invertible। पता लगा रहे हैं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिसको रैंक का कॉन्सेप्ट पता है वो तो डायरेक्ट बोल देगा कि जो पहला ऑप्शन था वो ही ठीक था, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के लिए रैंक क्या डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होंगे। तो यहां पर रैंक है क्यू का 4 और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे रैंक अगर 4 है तो हमें पता है कि नंबर रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक इज इक्वल टू 4। इसका मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे। तो पहला ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन है, सीधी सी बात है एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम देखेंगे पीछे के 3 ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, वो भी हमें निकाल ले आना चाहिए। कभी नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन आ गया तो आइडिया होनी चाहिए कि ये 2 ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, ये 2 ऑप्शन रॉन्ग क्यों है। तो सबसे पहले अभी दूसरा ऑप्शन है कि क्यू में 4 इंडिपेंडेंट रोज है एंड 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी इसको देखते हैं, हमें पता है रैंक के प्रॉपर्टी से कि रैंक ऑफ क्यू इज इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू। रैंक ऑफ क्यू इज इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ क्यू ट्रांसपोज इंटू क्यू। इसका मतलब रैंक ऑफ q इंटू क्यू ट्रांसपोज कितना होगा, 4 होगा। रैंक ऑफ q ट्रांसपोज इंटू क्यू कितना होगा, 4 होगा। लेकिन सपोज q इंटू क्यू टी, इसको मैं एक मैट्रिक्स, लेट अस डिफाइन q इंटू क्यू टी, q इंटू क्यू टी, इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब जो ये ओवरऑल मैट्रिक्स बन रहा है जिसको मैंने नाम दिया है b q इंटू क्यू टी, इसका ऑर्डर क्या होगा वो देखो। इसका अभी इन्वर्टेबल पूछा, इन्वर्टेबल पूछा है, इसका मतलब 100% ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ही इन्वर्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो Q का साइज क्या है, 5x6। Q का साइज क्या है, 5x6। तो Q ट्रांसपोज का साइज क्या होगा, 6x5। इसका मतलब Q इंटू क्यू ट्रांसपोज का साइज क्या होगा, 5 into 5। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे कि q into q transpose का साइज क्या है, 5 into 5। q into q transpose का साइज क्या है, 5 into 5। इसका मतलब जो ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 5x5, जिसका ऑर्डर क्या है, 5x5। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका अगर रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल नहीं है तो 100% उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। 100% उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा।
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका रैंक अगर उसके ऑर्डर के इक्वल नहीं है तो 100% वो मैट्रिक्स क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। इन अदर वर्ड्स वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, विच इंप्लाइज दैट इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स उसका अगर रैंक उसके ऑर्डर से कम है, मतलब उसके इक्वल नहीं है, ज्यादा तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, उसके ऑर्डर से कम है, उस केस में हम बोलेंगे वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, वो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो Q into Q transpose यहाँ पे मैट्रिक्स बना है Q into Q transpose, इसका मतलब बी वाला मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, इज इन्वर्टेबल, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इज फाइव क्रॉस फाइव, इसका मतलब ये क्योंकि फाइव क्रॉस फाइव है तो इसका रैंक अगर फाइव होता तो ये क्या होता, इसका डिटरमिनेंट पक्का क्या होता, नॉन जीरो होता तो इन्वर्टेबल होता, लेकिन इसका डिटरमिनेंट क्या है, फोर है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, फोर, तो इसलिए मतलब इसका रैंक डिफाइन, मतलब इसका मतलब इनवर्स डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिटरमिनेंट क्या है, जीरो, इनवर्स डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो, इसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो। अभी यहां पे देखते हैं, अभी सिमिलरली ये ऑप्शन भी प्रूव किया जा सकता था कि QT into Q is invertible, ये भी ऑप्शन सिमिलर वे में हम बता सकते हैं। देखो QT क्या होगा, QT Q का ट्रांसपोज लो, मतलब ये वाला मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 6 क्रॉस 5, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 क्रॉस 5, और Q क्या होगा, 5 क्रॉस 6, Q क्या होगा, 5 क्रॉस 6, Q क्या होगा, 5 क्रॉस 6, मतलब यहाँ पे QT Q ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसके 6 रो 6 थे अभी कॉलम 6 हो जाएंगे क्योंकि 6 के 6 यहाँ पे कॉलम 6 के 6 कॉलम क्या बन जाएंगे, रो बन जाएंगे, तो इसका मतलब QT का ऑर्डर क्या होगा, 6 क्रॉस 5, और Q का ऑर्डर क्या है, 5 क्रॉस 6, इसका मतलब Q का ऑर्डर साइज क्या होगा, 6 क्रॉस 6, Q का साइज क्या होगा, 6 क्रॉस 6, लेकिन Q का रैंक कितना होगा, 4, Q का रैंक कितना होगा, 4, Q का साइज कितना है, Q का साइज कितना है, 6 क्रॉस 6, QT into Q का साइज कितना है, 6 क्रॉस 6, अगर उसका रैंक 6 होता, अगर उसका रैंक 6 होता तो हम बोल सकते थे वो मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टेबल है, नॉन सिंगुलर, लेकिन उसका रैंक भी उसके ऑर्डर से कम है, 4 ही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो भी मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, वो भी मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर, वो भी मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर, तो इस केस में हम बोलेंगे क्योंकि वो भी मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस मैट्रिक्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और इस वाले मैट्रिक्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हमें पता तो चल गया था ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहां से हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखना था, लॉजिक सीखना था कि क्यों ये इन्वर्टेबल नहीं है, कि रैंक के कॉन्सेप्ट हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा या कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, कैसे पता चलेगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका रैंक अगर उसके ऑर्डर से कम है, उसका रैंक अगर उसके ऑर्डर से कम है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, वो मैट्रिक्स 100% क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला, और ये रैंक के बेस पे हम कैसे बता सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो मैंने यहाँ पे बताया। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में और मैं अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और कुछ कुछ नई कॉन्सेप्ट दिखाने का या बताने का आपको ट्राई करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।